तो भाई टेल टेढ़ी लगा दिया इसने, चेंज करा के मैग्नेटिक वाली, और अपने में स्टॉक वही नॉर्मल से लगी हुई। अरे 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 भाई ये क्या, भाई साहब एनएस में भी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब इनिशियल पंच फील हो रहा है। तो हेलो गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आप लोग ने भाई बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि नेक्स्ट वीडियो में एनएस का मतलब ये सीरीज़ को अच्छे से बनाऊं, तो अपनी आरसी उधर लगी पड़ी है। ये रही एनएस जो कि भाई हर्ष के जिसकी चैनल है एचएस मोटो ट्यूब, तो भाई आप जाके इसके चैनल पर भी वीडियोज़ देख सकते हो। तो अभी मैं चलाऊँगा आरसी एंड थोड़े टाइम के बाद स्विच कर लेंगे। तो ऐसी कुछ लुक आ रही है बाइक की, है वो लुक। ये रहा हर्ष, ये रही अपनी आरसी। तो भाई टेल टेढ़ी लगा दिया इसने, चेंज करा के मैग्नेटिक वाली, और अपने में स्टॉक वही नॉर्मल से लगी हुई है। स्टॉक नहीं है मतलब वो भी आफ्टर मार्केट ही है। तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है अभी दोनों बाइक्स का। तो चलो चलते हैं एंड राइड करते हैं भाई, एंड थोड़ा स्ट्रीट में भाई आतंक मचाते हैं भाई। वो वाला आतंक नहीं मतलब नॉर्मल वाला, स्ट्रीट रेस कर रहे हैं अपन, कुछ गलत मत समझ लेना आप लोग। एंड गाइस जस्ट एंजॉय द वीडियो, इट्स जस्ट फॉर फन, प्लीज़ गाइस डोंट ट्राई टू कॉपी दिस, ये बस आप लोग के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप लोग इससे ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड हो जाते हैं तो प्लीज़ मत होना, जस्ट एंजॉय द वीडियो एंड हैव फन। तो भाई हर्ष आ गया अपनी एनएस पे, एंड बहुत लोग ना इस बैकपैक के बारे में पूछ रहे थे। ये बैकपैक भाई श्यामोटो से ने हमने लिया था, इसका प्राइस अराउंड 2500 रुपीज़ है। तो चलो भगाई जाए भाई। एक चीज़ तो यहाँ पे अभी क्लियर हो गया ना कि एनएस मतलब 0 to 100 भाई यहाँ पे आरसी को टक्कर नहीं दे सकती है। इसका ना आगे का लुक बहुत प्यारा आ रहा है बाइक का, देख सकते हो इसने पूरा ना हेडलाइट को स्मोकी ब्लैक करा दिया है, एंड रेड लाइट्स लगा रखे हैं दोनों पार्किंग लाइट्स। तो काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है बाइक का। आज ना सोच रहे एकदम दबा के ट्रैफिक फिल्टर करते हैं। तो एक्चुअली इसको रास्ता पता है नहीं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, बार बार पीछे छूट जा रहा है। तो भाई पटना के जो रोड है ना मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं एज़ कम्पेरेबल टू प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है। तो ये सब देख सकते हो, बिल्कुल रोड न्यू सा है। तो ना मैं ऐसे हॉर्न देकर बता रहा हूँ भाई कि टर्न लेना है, अदरवाइज़ फिर वो आगे चला गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेसिकली इधर यू टर्न बहुत कम है। तो लेफ्ट राइट कहीं नहीं टर्न करना, हमें जाना है बिल्कुल सीधे, बट थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ पे भाई है मंदिर। अरे 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 भाई ये क्या,
तो गाइस ज़रूर भाई बताना कमेंट करके कि आपको भाई ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, मज़े आ रहे हैं नहीं। एंड अभी मैं थोड़ी देर में बाइक स्विच कर लूँगा, मैं चलाऊँगा एनएस और हर्ष को दूंगा आरसी। तो भाई चलो चलो आगे जाते हैं। भाई नॉन एबीएस में एक चीज़ मज़ा बहुत ज़्यादा है कि वो अगर आप अच्छे से राइड कर सकते हो, मतलब अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो तो भाई कहीं भी आप ड्रिफ्ट करके ना बहुत ही मतलब अच्छे से निकल सकते हो, जो कि एबीएस में नहीं होता है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बारी बाइक चेंज करते हैं, स्विच करते हैं, हर्ष को देते हैं आरसी एंड मैं चलाता हूँ NS 200। एंड टाइम टू स्विच द बाइक, काफ़ी दिन से मैंने भाई ये बीस्ट को नहीं चलाया, इट मीन्स NS। स्विच करते हैं बाइक को। तो गाइस आ चुके हैं NS 200 के ऊपर, BS4 वेरिएंट है एंड यार काफ़ी मतलब मेंटेन कर रखा है इसने बाइक को। तो ये रही अपनी आरसी और काफ़ी दिन के बाद भाई अपने आरसी कोई और चला रहा है ऐसे इन पर्सन, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा बाइक का। चलो चलते हैं। भाई साहब एनएस में भी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब इनिशियल पंच फील हो रहा है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दिस कि एनएस में ना इसकी जो वेट है मतलब वो सेंटर वेटेड बाइक नहीं है, ज़्यादा से अगर आप क्विकली काटते हो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत करती है बाइक की, चक्का जो है आगे वाली वो उठने लगती है और उसकी वजह से भाई बाइक डिसबैलेंस थोड़ी हो जाती है। तो ये मेन रीज़न है भाई एनएस के साथ, एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक और चीज़ मैं बताऊँगा आपको कि एनएस ना इनिशियल में भाई बहुत ही प्यारी मशीन है, बिल्कुल रॉकेट है भाई ये। तो इस सेगमेंट में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनदर सेगमेंट, अगर आप 200cc की बात करते हो तो भाई बिल्कुल रॉकेट है ये बाइक। यार शाम के टाइम में ना इतना ज़्यादा रश मिलता है यार, अपने को समझ में नहीं आता कि किस टाइम पे निकले यार वीडियो शूट करने, क्योंकि भाई दिन के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है आजकल कि अपन निकल नहीं सकते शूट करने को। एंड एक चीज़ और कमेंट करके बताना कि माइक का नॉइज़ कैसा आ रहा है, लाइक पहले के कंपैरिजन में, लाइक पुरानी वाली जो वीडियोस थी उसमें ना साउंड बहुत ही ख़राब थी, बट आई नो धीरे धीरे चेंजेस हुई तो साउंड अच्छी हो गई है। यार ये मशीन भी ना धमाकेदार है बिल्कुल, अपने को यहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न, फिर से आगे चला गया। मतलब ना मानना पड़ेगा भाई इस बाइक को, आरसी को ना प्रॉपर टक्कर देती है। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे। एंड या गाइस ऐसे बहुत सारे धमाकेदार सीरीज वाइज वीडियोस लाने वाला हूँ मैं, अभी मैंने बोला था ना कि बस थोड़ा टाइम और वेट करना, थोड़ा टाइम हो चुका है एंड अब बैक टू बेसिक। यार काफ़ी टाइम हमने वेट कर लिया यार, लेकिन देखो मैंने स्टार्टिंग से ना यार कंटिन्यूटी रखी, ये नहीं सोचा कि भाई अभी
मतलब स्ट्रीट रेस नहीं कर सकते, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो भाई ठीक है नहीं आ रहे, बट इट्स माई पैशन, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करने में। एंड बस आज की वीडियो कितना रखते हैं, आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चल पाएंगे। फिर मिलता है अगले ब्लॉग में, बाय बाय, एंड राइड सेफ।